दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड्स, आज ही जैसे कि आईएएस का नोटिफिकेशन आया था और डेफिनेटली काफ़ी सारे क्रॉस क्वेश्चंस में पर मेल्स के थ्रू आ रहे थे, तो मुझे लगा कि यस एक वीडियो बननी चाहिए इससे रिलेटेड, ताकि स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं जो मुझे थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके मैं डाउट्स अपनी तरफ से मैं क्लियर कर सकूँ। इनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं, हो सकता है शायद आपका भी क्वेश्चन के अंदर मिल सके। आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बात बोली थी कि देखिए पासवान कमेटी से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज उठी थी, जितने भी जो चीज़ें थी, कुछ भी नहीं हुआ जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था। तो जो उस दौर के अंदर जो मैंने वीडियो आज से करीब 1 से 1.5 महीने पहले पोस्ट करी थी, जो रेस्पिरेंट पढ़ रहे थे, तो डेफिनेटली उनको 3 जून को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जो इस रूमर के अंदर थे कि नहीं चेंजेस होगा, कोर्स चेंज होगा, ऑप्शनल हटेगा, और देख लीजिए नोटिफिकेशन आने के साथ सब कुछ चीज़ें प्रूफ हो गई हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी एक तरफ हो चुका है। तो खैर, इन चीज़ों के रूमर्स में कभी मत भागिएगा, डेफिनेटली हमारा भी एक फीडबैक का जरूर आप हमेशा वेट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम स्पेशली फ्रेशर्स की तरफ टारगेट करेंगे, जो एस्पिरेंट्स जो बिल्कुल कंफ्यूज हैं और फॉर्म फिलअप करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए पहला है कि पहला ही डाउट सेशन आता है, आई एम इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, एम आई एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। देखिए पहला ही क्वेश्चन, देखिए सिंपल सी बात है कि आप अगर फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन में हैं तो यस यू आर एलिजिबल। वहाँ पे अगर आप ऑप्शन भरेंगे तो ऑप्शन आता भी है उसमें कि आप पास्ड हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये यह है कि लेट सपोज, मान लीजिए अभी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, देखिएगा जब भी इंटरव्यू हो, अब ऑफकोर्स इंटरव्यू इस साल तो नहीं, अगले साल ही होगा जाके, तो इंटरव्यू के टाइम के समय आपको एटलीस्ट पासिंग मार्कशीट जरूर होनी चाहिए आपके पास। ध्यान से समझिएगा, पासिंग मार्कशीट इट शुड बी ओरिजिनल और या फिर ऑनलाइन के थ्रू जो भी शो ऑफ हो रहा है, एटलीस्ट आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। डिग्री हो या ना हो चलेगा, लेकिन आपके पास पासिंग प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन मीन्स आपने क्लियर कर ली है तो जब भी आप एलिजिबल होंगे। अगर आप फेल्ड हो गए या कुछ हो गए तो आप फिर डेफिनेटली जो है एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि अगर आपके पास पासिंग मार्कशीट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन की तरफ आगे बढ़ती हैं, वो ऑनलाइन पे डेटा डाल देती हैं, वहाँ से आप प्रिंटआउट लेके शो ऑफ कर सकते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि मेरी मार्कशीट आई नहीं है बट मैं पास हूँ। बट हाँ, डिग्री अगर ना भी हुई तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डिग्री आप बाद में भी जो है सबमिट कर सकते हैं। एट द ट्रेनिंग के समय भी, आप जब लबासना में जब ट्रेनिंग लेंगे तो भी उस समय आप कर सकते हैं। पहला तो क्लियर। दूसरा, यूपीएससी देखिए जो एज काउंट करता है वो 1 अगस्त से काउंट करता है। मैं नीचे एज कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, इसके अंदर आप वहाँ से अपने एज कैलकुलेशन जो है चेक कर लीजिएगा। लेट सपोज अगर 1 अगस्त से अगर एज कैलकुलेशन काउंट होगी तो आप 1 अगस्त 2018 डालिएगा एंड एज, और से पहले जो भी आपकी एज कैलकुलेटर में डालेंगे वो अपनी एज डालिएगा और आपको पता चलेगा आप कितने साल के हो गए हैं। तो इसकी मिनिमम मिनिमम एज ये है कि आपको आप 1 अगस्त को 21 जो 21 साल के आप पूरे होने चाहिए और मैक्सिमम जो 32 फॉर द जनरल कैटेगरीज। ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन मिलता है एज पर द जो भी हमारे अमेंडमेंट्स हैं जो भी बिल्स के थ्रू, तो उनको 3 ईयर्स का, एसटी एससी वालों को 5 ईयर्स का, और एक्स मिलिट्री सर्व जो मैंस होते हैं, सर्विस मिलिट्री मैंस होते हैं, उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन उनको एक डॉक्यूमेंट शो ऑफ उनको एक डॉक्यूमेंट ऐसे प्रूफ के तौर पर उनको दिखाना होता है जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो अप्रूव करती है। तो ये कुछ आपको अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर होंगी। बाकी एज कैलकुलेटर के मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप जो है चेक कर लीजिएगा। देखिए क्रॉस क्वेश्चंस में ये हो सकता है कि आई सबमिटेड फॉर्म बट आई फाउंड देर इज अ सम मिस्टेक्स, कैन आई चेंज इट, लाइक रॉन्ग, जैसे कि नेम्स में भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। साइड टू साइड आपने देखा होगा काफ़ी सारे आपको ब्लॉग्स पे भी चीज़ें पढ़ने को मिलती होंगी। साइड टू साइड ये भी हो सकता है कि आपने ऑप्शनल चेंज आपने गलत भर दिया हो, उस समय प्रिंस के भरते समय आपने सोचा कुछ और लेंगे, कुछ ये डिसाइड किया, लेकिन जब सी ही आपने प्रिंस दिया तो नहीं यार मुझे तो ये पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो कुछ और चीज़ें पढ़नी है। तो ये भी हो सकता है, रॉन्ग एड्रेस भी है, रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ भी है। तो ये एक्स्ट्रा थिंग्स हैं जो ये आप डेफिनेटली मिस्टेक्स, मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी 10,000 में से कोई एक के थ्रू मिस्टेक्स जरूर होती हैं इस तरह से। तो देखिए जब इस तरह की मिस्टेक्स, कोशिश तो यही कीजिए कि देखिए मिस्टेक्स ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज मिस्टेक्स अगर होती हैं तो फिर हमें ही ट्रबल होता है, यूपीएससी को ट्रबल नहीं होता है, फिर हम ही फर्स्टेट होते हैं, हमें वो चीज़ें सही शो ऑफ करानी होती हैं। तो पहली बात तो मिस्टेक्स ना हो तो ज़्यादा बेस्ट है। बट लेट सपोज अगर हो जाती हैं, कि लेट सपोज पहले बात करते हैं नाम से रिलेटेड, देखिए नेम में अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप साथ में आधार कार्ड लेके जाइए, उनको बताइएगा, तो डेफिनेटली ये तो चीज़ हो जाती है कोई दिक्कत वाली। वैसे तो देखिए फॉर्म पे लिखा भी रहता है कि अगर इस तरह के अगर मिस्टेक्स होती हैं तो डेफिनेटली यूपीएससी कंसीडर एक स्ट्रिक्ट एक्शंस भी ले सकते हैं, बट
यहाँ पे ये है कि अगर नाम में तो कुछ एक आधा वर्ड का स्पेलिंग मिस्टेक है तो हाँ आधार कार्ड के थ्रू हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे अब प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई थॉरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल चीज़। बट कहीं कहीं कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं, लाइक रॉन्ग ऑप्शन भर दिया। लेट सपोज आपने सोचा PSIR लेंगे प्रिम्स में, लेकिन आपने PSIR भर दिया और आपको लगा नहीं है PSIR में तो मेरा हो नहीं पाएगा, मैं तो कोई फिलोसफी लेंगे लूँगा। तो जब उस सिचुएशन में फिर आप ये ऑप्शनल चेंज नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। आप अपना ऑप्शनल जो है, इवन दैट द मीडियम भी आप जो है चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दो मेजर ऐसी चेंजेस हैं जो आप जहाँ पे आपका जोर नहीं चलेगा। UPSC अपने हिसाब से चलेगा, अपने रूल ऑफ लॉ के हिसाब से। तो जैसे कि ऑप्शनल हो गया, मीडियम हो गया, इस पे बड़े ही बारीकी से नज़र रखिएगा। बाकी हाँ, रोंग एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये माइनर माइनर मिस्टेक्स होती हैं, ये एक्सेप्टेबल है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब आप डॉक्यूमेंट शो करेंगे तो वो चीज़ें हो जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन रॉन्ग ऑप्शन सब्जेक्ट एंड अगर बात बोलूँ, रॉन्ग ऑप्शन सब्जेक्ट हो गया और सेट टू साइड आपका मीडियम से रिलेटेड हो गया, तो इस पर बी केयरफुल फॉर्म भरते समय। बाकी अटैम्प्ट 6 मिलते हैं फॉर द जनरल कैटेगरी, बाकी OBC के लिए आप रिसेशन मिलती है, SC ST वालों को भी रिसेशन मिलती है। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि देखिए कि भाई मैंने, ठीक है, आई फिल द फॉर्म बट नॉट विलिंग टू गिव द अटैम्प्ट, मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने फॉर्म तो भर दिया है, 100 रुपीज़ भी पे कर दिया, फॉर द मेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए अगर आपने फॉर्म भर दिया और आप नहीं चाहते देना, तो आप अगर आप नहीं देते तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे एक और यहाँ आप घुमाते हैं कि लेट सपोज एग्जाम हॉल में गए, पेपर वन दे दिया, लेकिन पेपर वन देखते समझ आ गया कि नहीं हो पाएगा, और पेपर टू आपने बोला छोड़ो यार टाइम वेस्ट क्या करना, मैं निकल रहा हूँ घर। तो उस सिचुएशन में आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, और इस सिचुएशन में भी काउंट होगा। लेट सपोज आपने फॉर्म, आप एग्जाम हॉल में गए, आप भले ही 5 मिनट बैठे और आपने उस पर प्रेजेंट शीट पर साइन भी कर दिए, तो भी आपका अटेम्प्ट जो है काउंट होगा। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, अटेम्प्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अटेम्प्ट्स देते समय अपने मन में जरूर बनाइएगा कि हाँ देना है, मेरा हो सकता है तो ही दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास एज एक्स्ट्रा है, आप यंगस्टर हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बाकी इफ़ यू हैव फिल इंग्लिश एज ए मीडियम इट लाइक इन मेंस एंड यू हैव टू अपियर इन इंग्लिश ओनली, एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, अगर आपने जो मीडियम प्रिंस में भर दिया वही मीडियम आपका मेंस में रहेगा, आप शिफ्ट नहीं कर सकते। और एक चीज़ और, ऑप्शनल से रिलेटेड भी यहाँ पे चीज़ हो सकती है कि लेट सपोज मैं ऑप्शनल अपना, लाइक ज़्यादा कंट्रोवर्सीज मैथ्स में आती हैं, मैथ्स फिजिक्स में कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर हिंदी बैकग्राउंड से हैं, फिजिक्स हिंदी में मैंने पढ़ी है लेकिन इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या फिर मैथ्स मैंने हिंदी में पढ़ा है, तो क्या मैं उसको हिंदी में, नहीं, आप मीडियम जो आपका इंग्लिश है, आपने अगर स्टार्टिंग में इंग्लिश भरा तो आपको इंग्लिश ही भरना पड़ेगा, और आपने हिंदी भरा तो आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। ऑप्शनल्स में भी कुछ चेंजेस नहीं होते रीजनल लैंग्वेजेस को छोड़ के। अब ऐसा नहीं कि आप हिंदी को इंग्लिश में तो नहीं लिख पाएंगे, अगर हिंदी लिटरेचर की बात हो रही है तो वो चीज़ अलग है। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, इस पे फॉर्म भरते समय बिल्कुल एक पैनी नज़र जो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। और सेट टू सेट ही बोलूँगा कि आई हैव फील इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश एज ए मीडियम बट आई एम मोर कम्फर्टेबल टू टॉक इन हिंदी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, वट आई हैव टू डू। देखिए जब DF निकलता है तो उसमें ऑप्शंस जरूर होते हैं, और तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, और इवन दैट अगर आपका हिंदी मीडियम अगर है तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो है UPSC की तरफ से होती है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ही, अगर बोलूँ तो आप बिल्कुल बेझिझक होके, बेनिश्चिंत होके आप रहिएगा। बाकी देखिए फॉर्म की कॉस्ट 100 रुपीज़ होती है फॉर द जनरल जनरल कैटेगरीज और OBC कैटेगरीज के लिए, स्पेशली फॉर द मेंस में या बॉयज़ में। बाकी SC ST और वुमेंस जो है इनको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये कुछ मेरा क्रिटिकल चीज़ें थी, छोटी सी मैंने वीडियो बनाई, अब मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। तो जो मैक्सिमम प्रिम से रिलेटेड जो मसले होते हैं उन्हीं चीज़ों को मैंने उठाया और यहाँ पे कोशिश करी ख़त्म करने के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। बाकी मैं कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, फ़ोटो कैसे ठीक करनी है और ये आपका ये सारे सारे मैं कमेंट्स में दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक, वन शॉट क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।